पहले कढ़ाई चढ़ाएं, थोड़ा तेल डालें, तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा और सरसों का तड़का डालें, फिर छोटा छोटा करके लहसुन को काट के उसमें डाल दें, लहसुन सुनहरा होने के बाद उसमें प्याज कड़ी पत्ता डाल दें, फिर उसके बाद प्याज डाल दें, जब प्याज लाल हो जाए तो उसके बाद उसमें पतले पतले काट के आलू डाल दें और आलू को अच्छी तरह से भुने ताकि वो गल जाए। उसे 5 मिनट के लिए ढक दें ताकि आलू गल जाए। अब इसमें डाल दें टमाटर, दो मिनट के लिए ढक दें। 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुके हैं और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा धनिया का पाउडर। हमने 10 मिनट पहले पोहा को धो के भिगो दिया था, अब पोहा को हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से नींबू का रस डाल के उसे मिला दें। इतनी धनिया धो के बारीक काट लें और उस पर ऐड कर दें। तैयार है।